बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड लिस्ट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने मुख्तलिफ साइज़ की रेक्टेंगल्स ड्रा करके रखी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन तमाम रेक्टेंगल्स की विर्थ एंड लेंथ और इनकी काउंटिंग टेबल की फॉर्म में ड्राइंग से आउटसाइड पर वन क्लिक के साथ शो कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट यूज़ किया है जिसका नाम है रेक्टेंगल डायमेंशन। तो मैं यहाँ कुछ रेक्टेंगल्स की विड्थ और लेंथ शो कर देता हूँ ताकि बाद में हम अपने लिस्ट के साथ इन रेक्टेंगल्स के साइज़ को चेक कर सकें। अपलोड कमांड लेते हुए मैं अपने लिस्ट को अपलोड कर रहा हूँ। काउंट रेक्टेंगल डायमेंशन के नाम से मेरा लिस्ट है। मैं अपने लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेसफुली लोडेड होने के बाद मैं अपने लिस्ट की शॉर्ट की इंटर कर रहा हूँ, RECDIM मेरे इस लिस्ट की शॉर्ट की है। शॉर्ट की इंटर करने के बाद हमें सबसे पहला मैसेज जो रिसीव होता है वो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो मैं अपने तमाम रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट मैसेज हमें मिलेगा स्पेसिफाइड टेबल इंसर्ट पॉइंट का। जहां हमने अपने टेबल को इंसर्ट करना है वहां जाकर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा टेबल शो हो जाएगा। टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारी तमाम रेक्टेंगल्स की विड्थ एंड लेंथ के साथ साथ काउंटिंग भी शो हो रही है। टेबल में हमें सबसे टॉप सेल में कम विड्थ वाली रेक्टेंगल का साइज शो होगा और सबसे एंड वाले सेल में हमें सबसे ज़्यादा विड्थ वाली रेक्टेंगल का साइज़ शो होगा। तो आप हमारी रेक्टेंगल्स में देख सकते हैं ना, सबसे कम विड्थ वाली रेक्टेंगल का साइज़ 4.538 है, जो कि हमारे टेबल में सबसे टॉप पर शो हो रही है। इसके बाद डायमेंशन कमांड लेकर मैं किसी भी एक रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ शो करने के बाद टेबल के साथ टैली कर रहा हूँ। तो मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हुए इसकी लेंथ और विड्थ शो कर रहा हूँ। मेरी सिलेक्टेड रेक्टेंगल की विड्थ 9.076 आई है, जो कि हमारे टेबल में सेकंड लास्ट पर आ रही है। तो इससे साबित हुआ कि हमारे लिस्प ने अच्छे तरीके से काम किया है, जिससे हमारी तमाम रेक्टेंगल का साइज़ एक्चुअल आ रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं टेबल के सेकंड सेल में जो रेक्टेंगल का साइज़ है उसके आगे उसने काउंटिंग में 3 पीसेस शो किए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे इन रेक्टेंगल्स में 3 पीसेस ऐसे हैं जो सेम साइज़ के हैं। डायमेंशन कमांड लेकर जो 3 पीसेस हमारे सेम साइज़ के हैं मैं उनकी भी डायमेंशन शो कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारी डायमेंशन हमारी टेबल के मुताबिक सही आ रही है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।